ऐ फकीर, तैयार हो जा। मैंने शिरडी में बहुत वक्त बिता लिया, क्योंकि तेरी तरह एक ही जगह पे डेरा डाल के रहने की फितरत नहीं है मेरी। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि आज रात ही इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। तू मेरा शागिर्द है तो जाहिर है तू भी मेरे साथ चलेगा। सारा सामान बांध ले। आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन एक मशवरा है कि हम आज रात नहीं कल सुबह जाएंगे। मशवरा नहीं मांगा मैंने, हुक्म दिया है। हुक्म की तामील कर। मेरा अंदेशा है कि आज रात जाना मुनासिब नहीं है। आपने कहा था कि आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, इसलिए मेरी बात मानिए, हम लोग आज रात नहीं कल सुबह जाएंगे। क्या तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? रुकिए। बेजुबान जानवर को नहीं मारते हैं। तिलावर पे भौंकेगा तो मरेगा। ठीक है, हम आज रात में ही जाएंगे। और आप इसे मारिए मत। निकलो मेरे घर से। इतना बड़ा नुकसान करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? चौराहे पे, वहीं पे भीख मांगना और सोना दोनों माँ बेटी। तेरी आई और तेरे लिए हमने जो कुछ भी सोचा था उसे ठोकर मारकर खुद ही अपनी जिंदगी तबाह कर ली है इसने। अब इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ये घर मेरा है और मेरे पति का है। कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं तुम्हें। बहुत
बहुत बर्दाश्त किया मैंने, मुझे घर से निकालने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये घर मेरे बाबा का है, उन्होंने इसे बनाया था, आपके पति ने नहीं। और बाबा ने बेटे में और ना ही बेटी में किसी में कोई भेद नहीं किया, दोनों का हक बराबर है, ऐसा कहते थे वो। इसलिए पूरे अधिकार के साथ मैं इस घर में रह सकती हूँ। और जहां तक मेरी देखभाल का सवाल है, कुलकर्णी सरकार के यहाँ काम करके मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपना और अपनी बेटी का ख्याल मैं सालों से रखती आ रही हूँ। इसलिए भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि मैं अगर इस घर में रह रही हूँ तो आप मुझ पे या मेरी बेटी पे अत्याचार कर सकती हैं। और हाँ, मेरी बेटी की चीजों को दोबारा छूने की हिम्मत मत करना। मेरे मन में परिवार वालों के लिए लिहाज था, इज्जत थी, इसलिए मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अब से ना हम भाई बहन हैं और ना ननद भाभी। चलो, और कितना वक्त लगाएगा फकीर? क्या सुबह करके ही दम लेगा? जी अभी आया। सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। जल्दी करो, और कितना वक्त लगेगा? ये सब क्या हो रहा है? कुत्ते क्यों रो रहे हैं?
आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कहते हैं कुत्तों को आने वाले संकट का अंदेशा हो जाता है। ये सारे कुत्ते एक साथ रो क्यों रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। चलिए भी बुझा दूंगा जिसे तूने रोशन किया है। ये भी मैं बुझा ही देता हूं। पानी खत्म। धुनी बुझाने के लिए ऐ फकीर, अपनी द्वारका माई को आखिरी बार अलविदा कह ले, क्योंकि यहां से जाने का बहुत दुख हो रहा होगा तुझे। नहीं, ये बात अलग है कि मुझे इस जगह और यहां के लोगों से बहुत प्यार है, लेकिन बैरागी बंधन नहीं जानते। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरे दूसरे शागिर्दों के मानिंद अपने परिवार वालों से मिलने के लिए मुझे छोड़कर भागेगा तो नहीं। रत्नाकर सेठ, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। चल। Thank you.
है, चल। चंदू, जानते हो पुरानी हवेली के पास जो बरगद का पेड़ था, वो कल रात अचानक सूख कर जड़ समेत गिर पड़ा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो तो मेरे पुरखों के समय से था। इतने सालों में कोई आंधी तूफान न गिरा सका उसे। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे शिरडी छोड़कर जा रहे हो। हाँ, ये करना चलना किसी अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है। रातों रात पौधा सूख जाए ऐसा संभव नहीं। आई, गर्मी बहुत बढ़ गई है और हो सकता है पहले से ही कीड़े लग गए हो, किसी ने ध्यान ना दिया। कल रात मौसम भी बहुत खराब था, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हो। आप कुछ भी कहिए, कल रात से मुझे अजीब सा लग रहा है। भाई साहब, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जीवन है वहां नाश्वर तो होगा ही। आप लोग यहां? हम आपसे ही मिलने आए हैं अप्पा जी। पता नहीं आपने गौर किया है या नहीं, हमारे शिरडी में बड़ी विचित्र सी घटनाएं हो रही हैं अप्पा जी। रात से सामान उठाए चल रहा है, थकावट का नामो निशान नहीं है चेहरे पे। किस मिट्टी का बना है ये? दिखता कमजोर है पर है नहीं। मुझे ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। क्या हुआ है? आइए इधर से चलें। नहीं, इस रास्ते से जाएंगे। माफ कीजिए लेकिन मेरे ख्याल से इधर से जाना बेहतर रहेगा। क्यों, बड़ा दिलेर बनता है तू? अब क्या हो गया तुझे? तेरा मशविरा देना बेकार गया और मैंने सलाह नहीं मांगी है तुझसे, हुक्म दिया है तुझे। आपकी ही हिफाजत के लिए कह रहा हूं, खतरे से आगाह करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसा कह रहा हूं वैसा कर, इस रास्ते से चल। hmm.
सबके चेहरे पे डर क्यों? साई के होते हुए शिरडी पर कोई संकट नहीं आ सकता है। चलिए हम सब द्वारका माई चलते हैं, हम सबके मन को वहीं शांति मिलती है। हाँ भाई साहब का बिल्कुल ठीक कह रही है, और हम सबके मन में भी यही विचार आया था, लेकिन वहां द्वारका माई में वो दिलावर होगा, बस यही सोचकर हमने अपना निश्चय बदल दिया। दिलावर का भय इस गांव के हित से तो बड़ा नहीं है। बाईजा सही कह रही है, साई है जो इस स्थिति का सही आकलन और अनुमान लगा सकता है। चलिए साई वापस आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ, साई कहाँ है? साई नहीं है, पता नहीं साई कहाँ चले गए। कल साई ने मेरी मदद की थी, धन्यवाद बोलने आई थी उन्हें। साई, साई। हम सब मिलकर साई को ढूंढेंगे। नहीं, साई नहीं जा सकता। सुनो, सब मेरी बात सुनो। साई ने मुझे इशारा दिया था कि वो सफेद भूत मतलब दिलावर जल्दी ही शिरडी छोड़कर जा रहा है। आप सब लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं, हो सकता है वो उसे ही छोड़ने गया हो। साई उसे छोड़ के लौट आएगा। आप हमेशा यहाँ आती रहना, भले ही मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। अगर ऐसा होता तो साई अपना सामान छोड़कर चले जाते, लेकर नहीं। लेकिन गांव में जो अशुभ घटनाएं घट रही हैं, उसका क्या? हमें ये बात सुनिश्चित अवश्य करनी चाहिए कि साई किसी मुसीबत में नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मुझे उस दिलावर पर बिल्कुल भरोसा नहीं, कहीं उसने तो कोई गड़बड़ नहीं की। चलिए हम सब मिलकर साई को ढूंढते हैं। चलो, हाँ, हाँ, चलते हैं। चलिए चलिए।
भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, साई को कुछ नहीं हुआ है। जानती हूं कि वो कुशल है, वो अच्छा है, लेकिन वो शिरडी छोड़कर चला गया। उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। मां, मैंने बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, बहुत दर्द दिया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुक क्यों गए, चलो। फकीर सुन, अब हम लोग यहाँ इस दरख्त के नीचे आराम करेंगे। हाँ, आपको भूख लगी होगी, खा लीजिए कुछ। अब जा, जाकर पानी का इंतजाम कर। लेकिन इस जंगल में पीने का पानी मिलना नामुमकिन है। क्यों, तुझे तो सब पता है ना इस जंगल के बारे में। तू लोगों से कहता भी है कि कोशिश करने पे सब मुमकिन है। तो जा ढूंढ, ढूंढने से मिल जाएगा पानी। यहाँ पे तो चार अमरूद थे, फिर एक कहाँ गया? ये तो मेरे बेटे की आवाज है, शायद मेरा बेटा मुसीबत में है। ए, चलो जल्दी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी करता है? कौन है वो नामुराद जो पुश्तिलों की तरह छुप कर वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ।
हट, मेरे नजदीक मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। तेरा हाथ जरूर कटेगा। रुकिए,